देखो दिक्कत ये है ना कि हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा लेजी है आजकल कि थोड़ा सा टेक्स्ट को देखे या फिर उसको अच्छे तरीके से रीड करे। तो ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है ना किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड की, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी पर्सनल लाइफ के साथ लिंक्ड है। क्यों ना मैं आपको हेल्प कर दूं, ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है, ये जो रूल्स वगैरह है, ये मैं खुद रीड करूं और अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं समझा दूं। अब जो लोग बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे मान लीजिए ट्रैक इन टेक, ज्ञान थेरेपी या फिर टेक्निकल गुरुजी, वैसे भी टेक्निकल गुरुजी थोड़ा बहुत शेयर करता है, लेकिन हाँ देखिए नाम लेना सही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, तो इन लोगों की एक फर्ज है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझाए और मास स्केल में आप लोग जान पाओ कि हाँ ये भी एग्जिस्ट करता है, बिहाइंड द सीन क्या होता है आखिर हमारे फोन में, या आपके लिए जानना जरूरी है, लेकिन ये लोग आपके साथ शेयर नहीं करता है। हालांकि इन लोगों की दोष नहीं है, शायद याद नहीं रहता है, या फिर इन लोगों के लिए ये जो पॉलिसी है ना इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अगर आपको लगता है कि मुझे ये सब जान के क्या फायदा, तो देखिए सीधा सा जवाब ये है कि आपकी खुद की वैल्यू नहीं है आपके पास, यानी कि आपकी जिंदगी की कुछ भी वैल्यू नहीं है, आप लोग मतलब ऐसे ही बस जीना चाहते हो। अगर आप एक डिवाइस यूज कर रहे हो या फिर एक ऐप यूज कर रहे हो, तो हर एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन की या फिर हर एक डिवाइस की एक प्राइवेसी पॉलिसी है, या फिर हर एक ब्रांड की एक प्राइवेसी पॉलिसी है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्लॉक ऐप को ओपन की है Xiaomi फोन में, आपके पास हो सकता है रेडमी की हो या फिर पोको की हो या फिर मी डिवाइस हो, तो उसमें आप लोगों ने कैलेंडर ओपन की है, जैसे कि मी कैलेंडर या फिर मी कैलकुलेटर या फिर मी डायलर, तो एट ए वेरी फर्स्ट टाइम उसमें एक नोटिफिकेशन आता है कि हमारी कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है, एंड उसको एग्री करने के बाद ही आप जो है इस एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे, एंड देन आप लोग जो है एग्री कर देते हो ना रीड करके। तो ये जो एग्रीमेंट है, जो ना पढ़ के आप लोग करते हो, उसके पीछे की राज मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है ना वो आपके साथ शेयर करूँगा, ना कि टोटल जो प्राइवेसी पॉलिसी है, क्योंकि वीडियो लगभग एक घंटा हो जाएगा, फिर मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं छोटा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर वन पॉइंट से। यहाँ पर लिखा है, वी मे कलेक्ट एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड टू अस which is necessary for the service you choose. For example, you may provide your name, mobile number, email address, delivery address, order information, invoicing details, bank account number, account holder name, credit card number and other information if you use me.com retailing services. You may sync materials or data if you use Xiaomi cloud services. You may provide your gender, security related information and other information if you create an account. You may provide us your nickname and then email address, photos, videos or other needed information. If you enter into promotional activities, you may provide your name, mobile phone number and address. If you engage with us, our content or our marketing or win a prize. देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हम आपसे ईमेल एड्रेस, आपके बैंक अकाउंट नंबर या फिर आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर या फिर आपकी फोटोज, वीडियोस, जो भी बैकअप्स आप लोग करते हो मी क्लाउड में, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लोग देख पाएंगे या फिर उन लोगों के पास एक्सेस है, वो लोग जो है कलेक्ट करेंगे ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये तो हो गया नंबर वन पॉइंट, आप लोग बस देखते जाओ तो समझ में आएगा, ठीक है? एंड द नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है डिवाइस और सिम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है? लिखा है फॉर एग्जाम्पल IMEI OAID, GAID number, IMSI number, MAC address, serial number, system version and type, ROM version, Android ID, Space ID, SIM card operator and its location area, screen display information, device keypad information, device manufacturer details and model name, device activation time, network operator, connection type, basic hardware information, sales channel and usage information such as CPU, storage, battery usage, screen resolution and device temperature, camera lens, model number of times the screen was broken or unlocked. मतलब जो हार्डवेयर में जो भी चीजें वो लोग देते हैं, जैसे कि डिस्प्ले, सीपीयू, आपके मदरबोर्ड या फिर आप लोगों ने कितनी बार आपकी जो डिस्प्ले है ना उसको ब्रोकन की है, मतलब कि उसको ब्रेक की है, वो इंफॉर्मेशन। फिर मान लीजिए कि आप जो है क्या टाइप कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप लोग पासवर्ड दे रहे हो, ठीक है, फेसबुक के अंदर, तो वो भी Xiaomi कलेक्ट करता है या फिर उन लोगों के पास स्टोर्ड है, बस आप लोग देखते जाओ, ठीक है? एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लिखा है वी मे कलेक्ट एंड यूज इन्फॉर्मेशन सच एज योर एडवर्टाइजिंग आईडी असाइंड बाय थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर ऐप यूजर्स, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के होश उड़ने वाला है, सिर्फ आप लोग देखते जाओ। इंक्लूडिंग यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर एन ऐप, एग्जाम्पल VAID, OAID, देन AAID, इंस्टेंस आईडी एंड बेसिक ऐप इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन सच एज ऐप लिस्ट, ऐप आईडी इन्फॉर्मेशन, एसडीके वर्जन, सिस्टम अपडेट, सेटिंग्स, ऐप सेटिंग्स, रीजन, लैंग्वेज, टाइम जोन, फॉन्ट, द टाइम द ऐप एंटर्स और एग्जिस्ट, द फोरग्राउंड एंड ऐप स्टेटस रिकॉर्ड, एग्जाम्पल डाउनलोडिंग, इंस्टॉलिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग। पता है इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है कि मान लीजिए आप लोगों ने फ्री फायर इंस्टॉल की है फोन में, तो वो जो लॉग है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, Xiaomi देखेगा कि आप लोगों ने क्या एप्लीकेशन इंस्टॉल की या फिर कितने टाइम तक आपने चलाया है, ये इन्फॉर्मेशन वो लोग देखेंगे। मान लीजिए कि आप लोगों ने 10 एप्लीकेशन को इंस्टॉल की है फोन में, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ठीक है, तो वो भी जो Xiaomi है ना देखेगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि चलो शायद जरूरी है ये सारे इन्फॉर्मेशन, तो देखते जाओ। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आखिर मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है क्यों जरूरी है और आखिर ये कितना ज्यादा है, मतलब ये कितना ज्यादा जरूरी आप लोगों को फील करवाता है ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है, ये आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। बस आप लोग देखते जाओ। बस एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ, इसमें से एक भी डेटा जरूरी नहीं है एक ब्रांड के लिए, लेकिन हाँ जरूरी है, वैसे हम लास्ट में जानने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन जनरेटेड व्हेन यू यूज ए Xiaomi सिस्टम सर्विस सच एज योर बैजेस, रेटिंग्स, साइन इन इन्फॉर्मेशन एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री इन Xiaomi कम्युनिटी, योर मैसेजेस इन Xiaomi कम्युनिटी ओनली विजिबल टू सेंडर एंड रिसीवर, योर ऑडियो प्लेबैक हिस्ट्री एंड सर्च क्वेरीज इन म्यूजिक सर्विसेज, योर लाइक्स, कमेंट्स, फेवरेट, शेयर्स एंड सर्च क्वेरीज इन थीम सर्विसेज, सिस्टम लैंग्वेज, कंट्री एंड रीजन, नेटवर्क स्टेटस एंड लिस्ट ऑफ एप्स इन ऐप फॉल्ट। जब भी हम राइट की तरफ स्वाइप करते हैं तो ऐप फॉल्ट आता है, तो उसमें आपने क्या क्या ऐड करके रखा है, मान लीजिए आप लोगों ने एक नोट लिख के रखा है, तो वो भी Xiaomi देखेगा। तो आप लोग जरा सोच के देखो कि भाई वो लोग क्या नहीं देख सकता है। आपके फोन में मान लीजिए फोटो है, वीडियो है, तो वो तो पहले ही आप लोगों ने सुन ली कि हाँ वो भी वो लोग देखेंगे, तो क्या इन्फॉर्मेशन है जो वो लोग नहीं देखता है और क्या वाकई में जरूरी है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वैसे मैंने छोड़ दी हाफ में, ठीक है, क्योंकि एक ही बात है, वैसे भी कलेक्ट करेगा सारे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड देन बात करते हैं यहाँ पे लोकेशन इन्फॉर्मेशन ओनली स्पेसिफिक सर्विसेज और फीचर्स, लिखा है वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन योर प्रिसाइज और अप्रोक्सीमेट लोकेशन इफ यू यूज लोकेशन रिलेटेड सर्विसेज, नेविगेशन, वेदर, फाइंड डिवाइस एटसेट्रा। ना लिखा है दिस इन्फॉर्मेशन माइट इंक्लूड रीजन, कंट्री कोड, सिटी कोड, मोबाइल नेटवर्क कोड, मोबाइल कंट्री कोड, सेल आइडेंटिटी, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इन्फॉर्मेशन, टाइम जोन सेटिंग्स एंड लैंग्वेज सेटिंग्स, यू कैन रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल एप्स एक्सेस टू लोकेशन इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम इन सेटिंग्स। अब इसमें लिखा है कि लोकेशन इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा, मतलब कि ये बोल रहा है हम लोग बस कुछ ही लोकेशन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। चलो इसमें थोड़ा बहुत इन लोगों ने छूट दी है वैसे भी। एंड देन अगर बात करें यहाँ पे लॉग इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर यूज ऑफ सर्टेन फीचर्स, एप्स एंड वेबसाइट्स, दिस माइट इंक्लूड कुकीज एंड अदर आइडेंटिफायर, टेक्नोलॉजीज, आईपी एड्रेसेस, नेटवर्क रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, टेम्पररी मैसेज हिस्ट्री, स्टैंडर्ड सिस्टम लॉग्स, क्रैश इन्फॉर्मेशन एंड लॉग इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाई यूजिंग ए सर्विस सच एज रजिस्ट्रेशन टाइम, एक्सेस टाइम, एक्टिविटी टाइम एटसेट्रा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉग एक ऐसा फीचर है किसी भी डिवाइस की, मान लीजिए एक एप्लीकेशन क्रैश की है, ठीक है, काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो सिस्टम जो है ना आपकी वो एक एज ए टेक्स्ट या फिर कुछ कोडिंग लाइन में वो जो है सेव करके रखेगा और उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे आपकी पासवर्ड हो सकता है, आपकी नंबर हो सकता है, लेकिन हाँ ये वेरी करता है। मान लीजिए कि मैसेंजर एप्लीकेशन अगर लॉक को क्रिएट करता है तो जरूरी नहीं है कि उसमें मैसेज होगा, लेकिन हाँ मुझे जितना पता है कि कुछ कुछ एप्लीकेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी उसमें जो है ना शामिल करता है, जैसे आता है व्हाट्सएप एप्लीकेशन, ठीक है, व्हाट्सएप लॉक में आप लोग देख पाओगे कि उसमें मैसेजेस भी शामिल होता है कभी कभी, ठीक है, मतलब कुछ कुछ टाइम वो शामिल होता है, रेयरली, लेकिन हाँ लॉक बहुत ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है गाइस। ये अगर लीक हो जाता है ना तो ये हो सकता है कि मान लीजिए आप लोगों ने पर्सनल बातें की है किसी के साथ, तो वो भी जो है ना देख सकता है कोई भी बंदा, ठीक है। तो ये तो मैंने रीड की कि आखिर जो प्राइवेसी पॉलिसी क्या क्या है। तो देखिए गाइस, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। देखिए और भी बहुत सारे यहाँ पे लिखा है कि हम ये सारे कुछ देखेंगे या फिर जानेंगे, तो मैंने ये प्राइवेसी पॉलिसी पूरा रीड की है, तो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि स्मार्टफोन में जो भी है एक भी फीचर या फिर एक भी फंक्शन ऐसा नहीं है जहाँ से कि वो लोग इन्फॉर्मेशन को नहीं लेंगे। आप लोग जब देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अभी सवाल आता है कि क्या ज़रूरी है ये सब इन्फॉर्मेशन कि हमसे सब कुछ लिया जा रहा है जोर जबरदस्ती, क्योंकि अगर आप लोग एग्री अगर नहीं करते हो तो वो ऐप नहीं चलेगा। मान लीजिए कि आप लोग कैलकुलेटर ऐप में वो डिस एग्री करते हो ये प्राइवेसी पॉलिसी, तो बार बार नोटिफिकेशन आएगा जब भी कैलकुलेटर ऐप को ओपन करोगे। तो देखिए यहाँ पे सीरियस मुद्दा ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है ना बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है, बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ब्रांड्स सबसे पहले आपके साथ
एड्स शेयर करता है, आप लोग जब रीड करोगे तो आप लोग को क्लियरली दिखेगा, ठीक है। दूसरी बात, एक रीजन में किस तरह की स्मार्टफोन लोग यूज़ करते हैं या फिर कितना ज़्यादा वो ब्रांड पॉपुलर है या फिर क्यों पॉपुलर है वो जानने के लिए ये जो ब्रांड्स है ना ये सब कलेक्ट करता है, या फिर कभी कभी कुछ एम्प्लॉय के द्वारा चेक किया जाता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज के द्वारा, कि आप लोग ज़रा देखो कि मान लीजिए इंडिया के इस प्लेस में हमारी जो डिवाइस है कैसा चल रहा है और आखिर क्यों चल रहा है, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या है, इस रीजन में जो भी लोग यूज़ करता है उन लोग की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को खोल के देखो। हाँ, ये जो लोग है ना खोल के देखता है आपकी फोटोज वीडियोस वगैरह अगर जरूरत पड़ता है तो। देखिए मान लीजिए कि थर्ड पार्टी एक एप्लीकेशन है जो कि वो लोग इनबिल्ट डालेंगे, जैसे मान लीजिए नोट एप्लीकेशन, एक थर्ड पार्टी नोट एप्लीकेशन, ठीक है, शाओमी की नहीं, तो वो नोट एप्लीकेशन क्या लोगों के लिए जरूरी है? अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से वो लोग जान पाता है, यानी कि ब्रांड अगर जान पाता है कि हाँ आप इस ऐप को डाउनलोड करके यूज करते हो, तो वो लोग क्या करेंगे, उसी ऐप को एज ए ब्लॉटवेयर आपकी डिवाइस में डाल देंगे, क्योंकि ब्रांड देख रहा है कि आप इसको यूज करते हो, एंड देन डालने के बाद उस एप्लीकेशन के जो डेवलपर है ना उनसे पैसा लिया जाता है, यानी कि शाओमी पैसा लेता है। अगर कोई एड कंपनी आपको स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहे तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, आखिर आपको किस तरह की एड दिखाना चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन वो लोग शाओमी को पैसा दे के ले सकता है। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ हॉट ऐप्स दिखाऊं आपकी डिवाइस में, ठीक है, तो क्या आप मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर आपकी एज कितना है या फिर आप क्या करते हो जैसे स्टडी या फिर जॉब वगैरह, शाओमी है ना मेरे को सेंड करेगा और मुझे दिखाएगा कि ये जो बंदा है ये सब कुछ करता है, तो इसको इस तरह की हॉट ऐप्स दिखाना है। तो ये है कुछ पर्पसेस। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना सारा कुछ जानने के बाद शायद आप लोगों को डर लग सकता है कि भाई मतलब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो आंसर है यस गाइस, कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हर साल बहुत सारा डेटा लीक किया जाता है डार्क वेब के अंदर। मेरा जो आधार कार्ड नंबर है या फिर जो वोटर आईडी है ना उसकी इन्फॉर्मेशन मतलब कैसे लीक हो सकता है? तो गाइस देखिए यहाँ पर बात यह है ना कि आप लोगों ने फोटो खींच के रखा है आपकी डिवाइस में और वो फोटो शाओमी की सर्वर में है, तो ब्लैक तरीके से वो शाओमी किस तरीके से आपकी फोटो को बेचेगा डार्क वेब के अंदर, डार्क वेब में जो भी लोग काम करता है वेबसाइट के अंदर, ठीक है, उन लोगों के पास कैसे वो लोग भेजेगा वो आपको नहीं पता, और वो इतना ज़्यादा सिक्योर तरीके से वो लोग करता है जैसे कि ब्रांड्स, ठीक है। तो हम लोगों को लगता है कि शायद कुछ ग्लिचेस की वजह से ये सारा कुछ लीक होता है, लेकिन गाइस नहीं, कभी कभी ये जो काम है ना इंटेंशनली किया जाता है, ब्रांड्स करता है पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आखिर प्राइवेसी पॉलिसी किस तरह की होता है शाओमी की डिवाइस में, चाहे आप किसी भी ऐप को यूज़ क्यों ना करो, ठीक है। और अभी सवाल आता है कि क्या मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ? यस गाइस, आप लोग स्टॉप कर सकते हो, अगर करना चाहते हो तो एक वीडियो है मैंने ऑलरेडी बनाया है, ठीक है, मैं जो है पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, लेकिन उससे मैक्सिमम 10-20% आप लोग जो है सेफ रह सकते हो, लेकिन 100% नहीं, लेकिन ना आपको कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।